हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू SP125 के डिटेल टॉप 5 रीज़न के बारे में, कि ऐसे कौन से 5 रीज़न है जिस रीज़न से दोस्तों आपको SP125 खरीदना चाहिए। ये सारे जो चीज़ें हैं, जो रीज़न है, आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप इस बाइक को लेने का प्लान बना रहे हैं, दिवाली का टाइम है तो हो सकता है कि आप प्लान भी बना रहे होंगे, तो दोस्तों आप लोग जो है ना इस बाइक को ज़रूर देखिएगा और मतलब इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको डिटेल में जो है सारी चीज़ें बताऊँगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मतलब टॉप 5 रीज़न जानने से पहले जो हम ये बात कर लेते हैं, ये बाइक हमें क्या प्राइस देखने को मिलती है। अब जाहिर सी बात है यार, कोई भी चीज़ खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते हैं, हमारे पास पैसा की। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, ये बाइक ना दो मॉडल आती है, एक डिस्क मॉडल, एक नॉन डिस्क मॉडल। अगर आप डिस्क वाला मॉडल लेंगे तो आपको एक्सशोरूम प्राइस आएगी 91,000 रुपये, और अगर आप नॉन डिस्क मॉडल लेंगे तो आपको लगभग 87,000 रुपये के आसपास की जो है एक्सशोरूम प्राइस आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, यानी दोस्तों इसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कम भी नहीं कह सकते, बट ठीक ठाक प्राइस में जो है आपको ये बाइक देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा मतलब प्राइस भी इसका काफ़ी अच्छी बात है। तो इस प्राइस के साथ में भी आप जाएंगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ आपको ये मिल रही है। ठीक, चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के एडवांटेज के बारे में। दोस्तों इस बाइक में आपको सबसे पहला जो रीज़न निकल कर मिलता है इस बाइक को ख़रीदने का, वो आपको निकल के आएगा दोस्तों इस बाइक का परफॉर्मेंस। देखिए दोस्तों, आप एक 125 सेगमेंट की बाइक ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आपको बता दो दोस्तों, इसमें आपको 10.9 का PS पावर है, 10.7 का टॉर्क है। ये जो पावर एंड टॉर्क है दोस्तों आपको इस बाइक में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, और आपको इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो पहला कारण है जिस कारण से दोस्तों आप जो है इस बाइक के साथ में जा सकते हैं। बात करें दोस्तों नेक्स्ट कारण के बारे में, नेक्स्ट रीज़न के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक का इंजन क्वालिटी। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर हम कोई भी बाइक ले रहे हैं तो भाई इंजन के बारे में ज़रूर देखते हैं, सोचते हैं इंजन, क्योंकि भाई इंजन अच्छा है तो बाइक अच्छी। इंजन भाई किसी भी बाइक का हार्ट कहा जाता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, होंडा का इंजन है, इंजन क्वालिटी आपको ना बहुत टॉप लेवल की देखने को मिलेगी। ये भी बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, जिस कारण से जो है आप इस बाइक को खरीद सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये बहुत बड़ा कारण है भाई इस बाइक को खरीदने का। नेक्स्ट रीज़न है दोस्तों इस बाइक को खरीदने का, वो है दोस्तों इस बाइक का फीचर्स। आपको मैं बता दूँ दोस्तों, इस बाइक का जो फीचर है ना आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें ना फुली डिजिटल मीटर है, और फुली डिजिटल मीटर के साथ में आपको इसमें सारे फीचर मिल रहे हैं। गियर इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर है, क्लॉक है, ट्रिप पॉइंट ट्रिप बी, एवरेज स्पीडिंग इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, ये सारे आपको फीचर मिलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, जिस कारण से जो आप इस बाइक के साथ में जा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट रीज़न है इस बाइक को ख़रीदने का, वो निकल के आता है इस बाइक का ब्रेकिंग। अब देखिए, शुरू में मैंने आपको बताया कि भाई इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत तगड़ी है। अब जाहिर सी बात है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो ब्रेकिंग भी बेहतर होनी चाहिए। आपको मैं क्लियर कर दूँ, इस बाइक की जो ब्रेकिंग है ना दोस्तों, वो भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है भाई। मतलब कंपनी ने इतनी तगड़ी ब्रेकिंग जो है इस बाइक ने ऑफ़र किया है, क्या ही बोलूँ भाई, बहुत अच्छी जो ब्रेकिंग आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। और जो है फ्रंट में डिस्क आपको मिलेगा, ड्रम वाली भी आप ले सकते हैं, ड्रम वाले का भी ब्रेकिंग अच्छा है। ये भी बहुत बड़ा कारण है जिस कारण से दोस्तों आप इस बाइक को ले सकते हैं। बात कर ले दोस्तों इस बाइक मतलब इस बाइक के नेक्स्ट रीज़न के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक का कम्फर्ट। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो बाइक है ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है। ठीक, आप किसी भी बाइक से जो है इसकी कंपेयर करेंगे, ये काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है। और इस बाइक को जो दोस्तों आप जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से जो है राइड करें, लंबा जाएंगे तो भी आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। आप कम से कम इसे जो है 100 से 150 किलोमीटर कंटिन्यूअस डिफरेंस लाएंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। ये भी कारण है जिस कारण से दोस्तों आप इस बाइक के साथ में जा सकते हैं। दोस्तों इस बाइक को खरीदने का जो नेक्स्ट कारण है दोस्तों, वह इस बाइक का कंफर्ट मैंने आपको बताया, वो है माइलेज। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, इस बाइक का जो माइलेज है ना वो भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। पहले तो ये जान लेते हैं भाई कि मतलब कुछ बात कर लेते हैं कि भाई आपको पता है कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो इंडियन मार्केट में कितना ज़्यादा हो चुका है। सो जिस हिसाब से पेट्रोल का प्राइस है उस हिसाब से माइलेज हमारी फर्स्ट प्रियोरिटी होनी चाहिए। आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, इस बाइक का जो माइलेज है वो आपको मिनिमम 55 से 60 के आसपास का माइलेज आपको ये ऑफर करती है जी। इतना अच्छा अपना अच्छा आपको परफॉर्मेंस भी देगी, उसके साथ साथ में आपको इतना अच्छा माइलेज भी आपको ये बाइक ऑफर कर देती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, जिस कारण से आप इस बाइक के साथ में जा सकते हैं। दोस्तों बात करें इस बाइक के नेक्स्ट रीज़न के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है इस बाइक का फीडबैक। अब दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो सबसे पहले हम ये भी देखते हैं भाई इस चीज़ का फीडबैक कैसा है, लोगों ने इसके बारे में क्या कहा। अब दोस्तों मैं आपको बताऊँ, SP125 एक ऐसी बाइक है ना
कि भाई मतलब क्या ही कहूँ। ये एक ऐसी बाइक है कि आप दोस्तों इस बाइक को ना आग बंद करके ले सकते हो, ऐसा आपको चार लोग बोलेंगे। इवन जो यूज़ कर रहा है वो सब यही बोलेंगे कि नहीं भाई आप इस बाइक के साथ में जाइए, ये बाइक आपको बहुत अच्छी जो है परफॉर्मेंस निकाल कर देगी, माइलेज निकाल कर देगी, इंजन क्वालिटी निकाल कर देगी, सारी चीज़ें जो आप इसको निकाल कर देगी। ये भी बहुत बड़ा कारण है दोस्तों जिस कारण से जो आप इस बाइक को खरीद सकते हैं, जो कि मेरी नज़रों में ये भी बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो इस रीज़न से भी दोस्तों आप इस बाइक को खरीद सकते हैं कि भाई इसका जो फीडबैक है वो भी आपको बहुत तगड़ा देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों मैंने अपनी तरफ से आपको सारे जो कारण है वो बताए हैं। अगर आपकी तरफ से कोई और आपको लगता है कि नहीं समीर भाई ये भी रीज़न हो सकता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी उम्मीद करता हूँ आपकी छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।